students. So, what we'll do today in this class? Today, in this class, we'll revise, we'll study our chapter second's poem. ओके okay, अपने जो चैप्टर सेकंड के साथ जो पोएम जो है वो हम लोग अपनी इस क्लास में स्टडी करेंगे. ओके एंड द नेम ऑफ द पोएम या पोइट्री इज ज्योग्राफी लेसन. ओके अपने पोइट्री का नेम क्या है? ज्योग्राफी लेसन, जो कि एज इट इज वही स्टेंजास फॉर्म में हमें दी हुई है. ओके सो देखते हैं इस पोइट्री में हमें क्या बताया हुआ है, ज्योग्राफी के कौन से लेसन के बारे में हमें बताया हुआ है, कौन कौन से हमें पार्ट्स के बारे में यहाँ बताया हुआ है. ओके तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएट्री. स्टेंजा फर्स्ट, व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब जेट जो है वो आसमान में टेक ऑफ करती है, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी, वो सिटी से एकदम से क्लियर होने, वो अनइनविजिबल वो होने लगती है, हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, वो अपना एक रास्ता डेवलप करती है, Seeing it scaled 6 inches of the mile, और वो अपने जो मतलब जो मैप जो होता है, ओके अपनी जो अर्थ क्रस्ट जो है उससे 6 miles ऊपर जाकर वो अपना रास्ता ढूंढती है, there seemed an elementary, जहां पर एकदम से वो elementary लगती है, unavoidable लगती है कि हम उसे avoid नहीं कर सकते, उस टाइप से वो लगती है, अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपेजर्ड, कि ग्राउंड पर वो किस तरीके से रैंडमली वो मतलब दिखाई हमें पड़ती है. ओके अनप्लैंड एंड विदाउट स्टाइल, उसका ना तो कोई प्लान किया होता और ना ही उसकी कोई स्टाइल होती है. ओके प्लान ना तो उसका पहले प्लान किया होता ना ही उसकी कोई मतलब स्टाइल होती है, वो अपना रास्ता जिस साइड उसे ट्रैवल करना है उधर वो जाती है. व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब एक जेट जो है वो स्काई में टेक ऑफ करती है. सेकंड स्टेंजा, व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 feet, जब जेट जो है वो 10,000 feet पर फिट की ऊंचाई पर जाती है, इट वॉज क्लियर बाय द सिटी बाय द कंट्री, तो वो कंट्री से मतलब जब वो 6 inches ऑफ माइल्स जाती है तब वो सिटी से इनविजिबल होती है, और जब 10,000 feet वो ऊपर जाती है तो वो कंट्री से इनविजिबल वो होने लगती है, हेड सिटीज वेयर द रिवर्स रन, वो सिटीज जहां पर रिवर्स वगैरह रन करती हैं, एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलर, और ये जो वैलीज वगैरह है रिवर्स सिटीज और जो वैलीज वगैरह हैं वो इतनी जो पॉपुलर हैं. ओके व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, वो हमें मतलब एकदम से प्रॉपरली वहां से देखने को मिलता है. द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का क्या लॉजिक है, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट्स मैन, कि लैंड एंड वाटर जो है जमीन और पानी जो है वो व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है, लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट्स द मैन, वो इज क्लियरली डिलाइंटेड, जो कि एकदम से क्लियरली डिलाइंटेड होता है. ओके जो कि एकदम से क्लियरली वहां से दिखाई पड़ता है. When the jet reaches 10,000 feet, जब जेट जो है वो 10,000 feet की ऊंचाई पर जाती है. ओके नेक्स्ट स्टेंजा थर्ड, When the jet rose 6 miles height, जब जेट जो है वो 6 miles की हाइट पर पहुंच जाती है, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, तो उसे एकदम से क्लियरली दिखाई देने लगता है कि अर्थ जो है वो राउंड है. ओके एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और हमें ये भी दिखाई देने लगता है कि जो सी जो है उस वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, देन द लैंड, लैंड के कंपैरिजन में सी जो है वो ज्यादा, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, पर यह बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है समझने के लिए, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कोज टू हीट ईच अदर टू बिल्ड वॉल्ट अक्रॉस सिटीज एंड टू किल, लेकिन ये समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि अर्थ पर जो मैंस रहते हैं जो पर्सन्स रहते हैं वो एक दूसरे को बिना किसी रीजन्स के, ओके
जो लैंड को मतलब हथियाने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को, वो मार देते हैं। दो सिटीज या दो कंट्रीज के बीच में एक बॉर्डर वो बना देते हैं। फ्रॉम द हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, लेकिन ये हाइट से क्लियर नहीं होता कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। ओके नाउ टेक्स्टुअल क्वेश्चंस ऑफ दिस पोएट्री, फाइंड थ्री और फोर फ्रेजेस इन स्टेंजास 1 and 2 विच आर लाइक्ड टू अकर इन अ ज्योग्राफी लेसन, कि आपको इस स्टेंजा से थ्री या फोर फ्रेजेस ऐसे फाइंड अप करने हैं जो कि आपकी जो ज्योग्राफी है ओके उससे वो एकदम से मैचअप होते हैं। ओके नेक्स्ट, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटीज अपीयर्स, कि विंडोज से देखने पर जो सिटीज जो हैं वो कैसी लगती हैं। ए हैपीजर्ड एज ऑन ग्राउंड, कि वो ग्राउंड पर एकदम से हैपीजर्ड है। एज नीट एज अ मैप, एकदम से जैसे मैप में होता है उस तरीके से क्लियर दिखाई देती हैं। एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, या जितनी वो डेवलप्ड होती हैं उतनी ही दिखाई देती हैं। सो जितनी डेवलप्ड होती हैं ओके उसी तरीके से वो दिखाई देती हैं, ना तो उसे एक्स्ट्रा दिखाई देती कि कैसी कैसी हो सकती हैं और ना ही उससे कम दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, की फॉलोइंग जो लाइन्स हैं उनमें से ज्योग्राफी के मतलब एग्जाम्पल्स जो हैं उनको एज अ स्टेंजा आपको बताना है ओके कि कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो ज्योग्राफी से बिलोंग करते हैं। ओके देन फोर्थ, मैंशन टू थिंग्स दैट आर, आपको दो चीज़ें मैंशन करनी है दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट, कि वो हाइट से क्लियर है, नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट, और जो हाइट से क्लियर नहीं है। जो क्लियर है जैसे कि अर्थ की शेप ओके जैसे कि वैलीज रिवर्स माउंटेन्स वो क्लियर है, जबकि जो पर्सन्स एक दूसरे को हेट क्यों करते हैं, वो रीज़न एक दूसरे के सिटीज वगैरह के बीच में बॉर्डर क्यों बनाया हुआ है, वो रीजन्स ऊपर हाइट से समझ में नहीं आते हैं। ओके सो टेक्स्टुअल क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन योर फेयर नोटबुक, वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस ऑल थ्री स्टेंजास यू हैव टू लर्न, एंड यू हैव टू फाइंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस थ्री स्टेंजास। इफ एनी स्टूडेंट इज हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस पोएट्री दिस चैप्टर यू कैन आस्क टू मी। ओके बाय।